हेलो डियर स्टूडेंट, जो लोग भी एसएससी 2022 का कल रिजल्ट आया है, 2022 प्री का, उसमें जो लोग असफल हुए हैं, जो लोग फेल हुए हैं, फेल आप बेसिकली नहीं हुए हैं, कुछ रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से आपने वहां पे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं। आज स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे उन सभी पॉइंट्स की जो कि एसएससी सीजीएल 2023 में आप कर सकते हो, क्योंकि 2023 का जो डेट है वो ऑलरेडी टेंटेटिव डेट अनाउंस कर दिया गया है। तो उस टेंटेटिव डेट को लेके और हम 2000 सीजीएल के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं, 2000 सीजीएल बेसिकली है क्या और जो पैटर्न होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो सभी चीज़ों के रूप में यहाँ पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये सभी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें कि भाई 2023 का इस बार कैलेंडर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, टेंटेटिव कैलेंडर अभी 2023-24 में जो जारी किया गया था एसएससी की तरफ से, उसमें यहाँ पे क्लियरली दिया गया था कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2023 एग्जामिनेशन, जो कि टीयर वन इसका आपका एक जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका 1 अप्रैल को आ जाएगा। मतलब फॉर्म की डेट जो है वो 1 अप्रैल को आ जाएगी, जिस दिन सैटरडे है, और फॉर्म क्लोजिंग डेट है वो 1 मई है, उस दिन मंडे। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, यानी 2023 की जो टेंटेटिव डेट्स है वो क्लियर हैं कि आपका जो फॉर्म है वो आ जाएगा आपका 1 अप्रैल को, 1 मई को लास्ट डेट होगा, साथ ही जून जुलाई में इसके प्री के एग्जामिनेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, प्री का जून जुलाई में एग्जामिनेशन 2023 में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कैलेंडर है, सबसे पहले आप ये देख लो कि एग्ज़ाम आपके होने कब है 2023 का प्री। ठीक है, ये आपने देख लिया, हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और बातें करते हैं। जैसे इनमें पोस्ट की मैं बात करता हूँ, एसएससी सीजीएल के थ्रू बहुत सारे पोस्ट में वैकेंसी जो दी जाती हैं, अभी तक अगर मैं बात करूं 2022 में ये बहुत बड़ी वैकेंसी इस बार एसएससी की तरफ से दिया गया, लगभग 37,000 प्लस वैकेंसी है यहाँ पे देखने के लिए मिली आपको, बाद में कुछ वैकेंसी इंक्रीज भी की गई, तो आप लोग उसको ध्यान रखो। अगर मैं बात करूँ पे लेवल 8 की, जिसमें गैजेटेड पोस्ट आते हैं 2, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जिसमें आप देख रहे हो कि ये नेशनल ऑफ मतलब कैग के थ्रू होते हैं। ठीक है, कैग में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, इसके भी ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है, सॉरी मैंने गैजेटेड बताया, ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है, सॉरी ऑडिटर जो होता है डबल ए, ये गैजेटेड होता है बट नॉन मिनिस्ट्रियल होता है, और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो होता है ये भी आपका गैजेटेड होता है बट नॉन मिनिस्ट्रियल होता है, इसकी एज लिमिट जो है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अकाउंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि ग्रुप बी में आते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि ये भी ग्रुप बी में आते हैं, इनकी एज भी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन मतलब जो अच्छी पोस्ट है, जो कि आपकी पे लेवल 7 है, उसमें आप देख रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में गैजेटेड पोस्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जो है वो आपके 20 से 30 एज है इनकी भी, सेक्शन ऑफिसर यहाँ भी आपको 20 to 30 एज मिलेगी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आई टेक्नोलॉजी यानी आईटी में, यहाँ भी आपको 30 साल तक होनी चाहिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट में जो है वो यहाँ पे कराए जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रीम होती है स्टूडेंट्स की, इनकम टैक्स ऑफिसर जो सीबीडीटी में होता है, ग्रुप सी में आते हैं, इनकी भी एज लिमिट वही है। बाकी अगर हम बात करें इंस्पेक्टर जो कि सेंट्रल एक्साइज हैं, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं, और बाकी इंस्पेक्टर एग्जामिनर हैं, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, इस पर मेरा सेलेक्शन हुआ था मेरे विद्यार्थियों पहली बार असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर पर, और सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट इस बार तो डबल एओ की पोस्ट मिली थी, और इंस्पेक्टर जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में और फाइनेंस में, ये भी ग्रुप डी का पोस्ट, ग्रुप बी का पोस्ट है, इसकी भी एज जो है एज लिमिट 30 साल तक होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ ग्रुप पे लेवल 7-6 में जो असिस्टेंट आते हैं और डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जो कि नारकोटिक्स में होते हैं, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर होते हैं, ठीक है, ये भी अच्छी पोस्ट है बहुत, इसके लिए भी बहुत अच्छी आपको प्लेस मिलती है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए,
और ये सारे पोस्ट हैं आपके ऑडिटर और अकाउंटेंट, अकाउंटेंट जो कि अदर अदर मिनिस्ट्री में, कैग में, इनकम टैक्स में, सीबीडीटी मतलब ऐसे आपको मिलती है, पोस्टल असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरी एंड सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट जो कि सीबीडीटी में भी है, सीबीआईसी में भी है, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, अपर डिवीजन क्लर्क है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्री के एग्जामिनेशन की। देखो प्री तो सेम था, इस बार अगर मैं बात करूँ प्री ये सेम था, आपको यहाँ पे चार सब्जेक्ट थे, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए। इसमें सेक्शन बटे हुए थे 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 25 और 25, यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ 100 मार्क्स का आपका पेपर था, जिसमें आपको केवल और केवल एक चीज़ चेंज की गई थी, जिसमें था क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि प्री आपका क्वालिफाइंग कर दिया गया था। अब इन सभी पोस्ट के बारे में मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगा आपको कि कौन सी पोस्ट आपको ज़्यादा बेहतर है अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू सैलरी, अकॉर्डिंग टू वर्क, ये सभी चीज़ों में कौन सी प्लेस अच्छी है, कौन सी जॉब बहुत अच्छी है, कहाँ पे उनका अगर आप पोस्टिंग हो गई तो आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बिता सकते हैं। तो इन सभी पोस्ट में जो भी पोस्ट आपको इंपॉर्टेंट पोस्ट है उसके ऊपर अलग से वीडियो में बना के बताऊँगा। बाकी अभी हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं, तो पैटर्न चेंज हुआ था मेन्स का, इस बार मेंस का पैटर्न चेंज हुआ था। अगर मैं बात करूं 2021 तक तो ये पैटर्न था, केवल मेंस में आपको मैथ्स और आपको दिखता था इंग्लिश, दो सब्जेक्ट आपको दिखते थे, दोनों ही 100-100 क्वेश्चन आते थे, यानी 200 क्वेश्चन आते थे, जिसमें आपको मार्क्स अगर मैं बात करूं तो 400 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता। लेकिन अभी ये जो टीयर टू का एग्जामिनेशन है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया, पूरी तरह से चेंज की मतलब अब इसमें सेक्शन बढ़ गया, सेक्शन ए जो है वो 2 घंटे का होता था पेपर वन, ठीक है, अब इसमें भी आपके 3 सेक्शन दिखे, ठीक है। सेक्शन वन में आपका क्वांट और रीजनिंग है, जिसमें क्वांट के केवल 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के केवल 30 क्वेश्चन, ओवरऑल ये 180 नंबर का, 1 घंटे आपको यहाँ पे मिला। सेक्शन टू में इंग्लिश और जीए है, जिसमें इंग्लिश का 45 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन आपका किसका, जीए का है, तो यानी ओवरऑल यहाँ पे आपको 210 नंबर हो गए, ठीक है। और बाकी एक नई चीज़ ऐड कर दी गई, कंप्यूटर नॉलेज एंड मोड। अब मैं अगर बात करूँगा ना तो ये भी आपके क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, ये भी आपके क्वालिफाइंग नेचर का है, कंप्यूटर में भी आपको क्वालिफाई होना है, लेकिन आपको इसको पढ़ना जरूर पड़ेगा, तो 60 नंबर आपके यहाँ ऐड हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं सेक्शन टू की बात करूँ जो 15 मिनट की है, डेस्ट, अगर मैं इस बार बताऊँ तो डेस्ट जो है DEST, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, डेस्ट मेन्स के एग्जामिनेशन के दिन ही हुए, और मेन्स में डेस्ट, मेन्स होने के बाद डेस्ट देना, देखे ही सब बाहर निकलेंगे, मतलब सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी कर दिया गया था डेस्ट इस बार, यानी कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो है वो सभी पोस्ट के लिए, SSC के सभी पोस्ट के लिए आप कंपलसरी कर दिया गया SSC की तरफ से, ठीक है। तो ये आपका एक 2022 का जो एग्जामिनेशन का टीयर टू का प्रोसेस था उसको बदला गया था। तो अगर मैं बात करूँ कि इस प्रोसेस में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा 2023 में एग्जामिनेशन ऐसा ही होगा, तो बिल्कुल ऐसा होगा, क्योंकि हर बार चेंज नहीं होता है, कुछ कुछ छोटी मोटी चेंजेस कर सकता है SSC की तरफ से, चेंज जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो पैटर्न है ये सेम रहने वाला है, मेंस में जो पैटर्न है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि अभी पहली बार एग्जामिनेशन 2022 में हो रहा है, इसका रिजल्ट दिखेगा, फिर 2023 में अच्छी तरीके से इसको SSC की तरफ से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो आप समझो इस बात को कि यही पैटर्न आपका 2023 में होने वाला है। तो जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे अब पेपर टू ये कुछ लोगों के लिए होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना पेपर टू स्टैटिक्स का है और जनरल स्टडी फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का है, तो पेपर टू जो है इसमें क्या है, कुछ लोगों के लिए, जैसे जो लोग मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स में और जाएंगे उनके लिए पेपर टू देना जरूरी है। पेपर थ्री किन के लिए है भाई, जो लोग असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी AO की पोस्ट है या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, उनके लिए ये पेपर थ्री जो है वो देना जरूरी है। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये रही बात आपकी पूरा का पूरा पैटर्न के ऊपर, क्या क्या पैटर्न था, कैसे कैसे पेपर आपको होना था, मेंस और पेपर टू किसको देना है, पेपर थ्री किसको देना है, ये बात मैंने आपको बता दी। बाकी अगर मैं बात करूँ प्यारे विद्यार्थियों, तो कट ऑफ आपने इस बार देखा ही, UR का कट ऑफ कितना गया है, 114, जो लिस्ट थ्री है जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट वगैरह होते हैं, वहाँ पे 114 मेरिट गई हुई है, कट ऑफ 114 UR कैटेगरी का गया है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और जो लोग भी SSC 2023 को टारगेट कर रहे हैं, वो CGL को जो टारगेट कर रहे हैं, वो बहुत मन से अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको डेट्स दिखा दी हैं। आप देखो यहाँ पे कि 1 अप्रैल को जो है वो आ जाएगा फॉर्म, हो सकता है 1-2 दिन लेट हो,
लेकिन टेंटेटिव डेट है तो एक ही दो दिन लेट हो सकता है, बाकी ज़्यादा दिन तक लेट नहीं कर सकता एसएससी की तरफ से, क्योंकि फास्ट वर्क हो रहा है आप देख ही रहे हो। तो एक दो दिन लेट हो सकता है, अप्रैल में अपडेट आ जाएगा। आपके पास अभी मार्च बचा हुआ है पूरा का पूरा, अप्रैल बचा हुआ है पूरा का पूरा, एग्जामिनेशन आपके जून जुलाई में होंगे, यानी कि मार्च अप्रैल मई, आपके पास 3 महीने का समय है। इन 3 महीनों में जान लगा दो और पूरा का पूरा पैटर्न आप समझ चुके हो क्या क्या चीज़ें करनी है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे टेस्ट पेपर से हो, चाहे आपका एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या फिर अगर आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हो, अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हो। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हो सभी कैटेगरी के लिए, ना सिर्फ SSC बल्कि UPSC, स्टेट PC, UGC, नेट, IIT, नीट, सबके लिए, जितनी भी कैटेगरी में अनअकैडमी की तरफ से तैयारी की जाती है। इनका स्टोर बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एजुकेटर स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, बैच स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, और बाकी टेस्ट सीरीज तो आपको मिलता है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए, तो ये बात आप ध्यान रखो। डेली प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करने के लिए मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ है जिसमें कम्पीट है, कम्पीट में अपने आपको आप टेस्ट कर सकते हो डेली। एक आपका कंपटीटर होगा, आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हो कि आप अपनी तैयारी कितनी कर चुके हो और कितना अभी करना बाकी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहो तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। तो ये रही पूरी की पूरी जानकारी 2023 से रिलेटेड। जो लोग भी 2023 को एग्जामिनेशन को सीजल टारगेट कर रहे हैं, वो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। मैं पोस्ट के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी मैंने ओवरऑल पोस्ट की बात कर ली, और हमने बात कर ली ये जो डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, और जो आपका पैटर्न रहने वाला है। सो थैंक यू सो मच। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, मैंने वो भी बता दिया। जुड़े रहिए हम लोगों के साथ और अपनी तैयारी करते रहिए। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, और अपने जो मेंस का टारगेट है, जो लोग भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।